डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन, लाल बहादुर शास्त्री, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, क्या आप इन सब लोगों के बीच एक कॉमन चीज बता सकते हैं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। ये हैं भारत के आसमान पर चमकते कुछ सितारे, इंडिया का प्राइड, भारत रत्न से सम्मानित। लेकिन क्या है भारत रत्न और इसकी सिग्निफिकेंस? हेलो दोस्तों, मैं हूं कासिफ अंसारी। भारत रत्न के बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं सब बताऊंगा इस वीडियो के साथ। एंड तक रहेंगे तो एग्जाम में इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई और उस समय के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अवार्ड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सर्विस के लिए दिया जाता है और इसके लिए खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट को कुछ नाम रिकमेंड करते हैं। ये अवार्ड एक बार में सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन साल 1999 में ये 4 लोगों को दिया गया, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली और पंडित रविशंकर जी को। भारत रत्न के सबसे पहले अवार्डीज थे 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन जी। क्या आप जानते हैं फर्स्ट वुमेन अवार्डी का नाम? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं इसके डिजाइन की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक पीपल लीफ की शेप में डिजाइंड अवार्ड है, जिस पर देवनागरी में भारत रत्न इंस्क्राइब्ड होता है प्लैटिनम के बने एक सन फिगर के ठीक नीचे। इसके पीछे अशोक स्तंभ का चिन्ह है और उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। अभी तक भारत रत्न के यंगेस्ट रिसिपिएंट हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया केवल 40 साल की उम्र में। अगर सचिन है यंगेस्ट रिसिपिएंट, तो सोशल रिफॉर्मर ढोंडो केशव कर्वे हैं ओल्डेस्ट रिसिपिएंट, जिन्हें 1958 में 100 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं, इसे नॉन इंडियंस को भी दिया जा सकता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम शेर खान, बच्चा खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, इस अवार्ड को पाने वाले पहले नॉन इंडियन रिसिपिएंट बने 1987 में। वहीं 3 साल बाद 1990 में साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल लीडर नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1955 में भारत रत्न को मरणोपरांत देने का नियम भी जोड़ा गया। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया जाना और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के पहले मरणोपरांत व्यक्ति बने, जिन्हें भारत रत्न 1966 में दिया गया। अवार्डीज को एक मेडल और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अलावा वे सभी राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। दे आर एलिजिबल टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास बाय एयर और बाय ट्रेन। हमने आपसे पूछा था भारत रत्न पाने वाली पहली वुमेन अवार्डी का नाम, और इसका सही जवाब है श्रीमती इंदिरा गांधी। वहीं अगर एकमात्र इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, तो देश को तरक्की की तेज रफ्तार देने वाले JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। एक नजर डालते हैं भारत रत्न अवार्डीज के नाम और उन ईयर्स पर जब उन्हें यह अवार्ड दिया गया। भारत रत्न अगर है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो उसके बाद आते हैं पद्मा अवार्ड्स। उनके बारे में भी जानेंगे सिर्फ एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है mbibe.com और एम्बाइब ऐप, जहां AI पावर्ड लर्निंग के साथ यू विल अचीव ऑल योर ड्रीम्स। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.